हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। क्या आपको फिल्टर कॉफी से स्ट्रॉन्ग लेकिन एस्प्रेसो से लाइट कॉफी पसंद है? अगर हाँ तो मोका पॉट आपके लिए परफेक्ट है। मोका पॉट में आप ऐसी कॉफी बना सकते हैं, वो भी एक्सपेंसिव मशीन के कंपैरिजन में कम खर्चे में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो इम्पीरियल मोका पॉट की डिटेल्स एंड डेमो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो इम्पीरियल मोका पॉट बना है बोरोसिलिकेट ग्लास और स्टेनलेस स्टील से, जिस वजह से ये ड्यूरेबल भी है और साथ में इसमें इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे इंडक्शन, इलेक्ट्रिक सिरेमिक या फिर गैस स्टोव टॉप पर यूज किया जा सकता है। इसमें आप बना सकते हैं 240 ml कॉफी एक टाइम में बहुत ही कम समय में। तो दिखने में भी काफी अच्छा है, हीट रेजिस्टेंट हैंडल है और लिड को इस तरह से आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। मोका पॉट के एक तरफ है सेफ्टी रिलीज वॉल्व जो पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट इसे ओपन करते हैं और बाकी के पार्ट्स देखते हैं। ये है मोका पॉट का बेस कप जिसके अंदर पानी डाला जाता है, साथ में ऊपर की तरफ इसमें है ये फनल। इस फनल में कॉफी भरी जाती है। अब देखते हैं बेस कप, तो ये अंदर से इस तरह का है और हमने देखा था कि इसके एक तरफ सेफ्टी वॉल्व है, तो सेफ्टी वॉल्व के नीचे तक ही पानी भरना चाहिए। ये है मोका पॉट की अपर बॉडी जिसमें एक तरफ स्पाउट दिया गया है, जिस वजह से काफी इजीली इसमें से कॉफी पोर की जा सकती है बिना गिराए। बेस पर इसके एक गैस्केट है और फिल्टर है, इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। गैस्केट आप निकाल सकते हैं, फिल्टर भी निकाल सकते हैं। सफाई के समय इन्हें जरूर निकालें ताकि अच्छे से ये क्लीन हो सके। सबसे पहले जाएगी फिल्टर प्लेट और उसके बाद गैस्केट। इन्हें लगाना और निकालना काफी ईजी है। मोका पॉट यूज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये पॉट अच्छे से बंद हो। साथ ही इसके आपको मिलता है ये कॉफी स्कूप, आप इससे कॉफी मेजर करके डाल सकते हैं। ये है यूजर मैनुअल जिसमें आपको इस मोका पॉट की सारी इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में यूसेज के इंस्ट्रक्शंस भी इसके ऊपर दिए गए हैं। मोका पॉट में सही साइज का कॉफी ग्राइंड यूज करना जरूरी है, तो आपको चाहिए मीडियम फाइन यानी एस्प्रेसो से थोड़ा सा मोटा लेकिन फ्रेंच प्रेस से थोड़ा सा बारीक। तो इस तरह का अगर आप कॉफी ग्राइंड यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब मोका पॉट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस में पानी भरेंगे, तो पहले फिल्टर निकाल लें। आप इसमें गर्म पानी का यूज करें, गर्म पानी अगर आप यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और परफेक्ट कॉफी मिलेगी। गर्म पानी पोर करने के लिए मैं गूजनेक केटल यूज कर रही हूँ, जिसके लॉन्ग स्पाउट की वजह से एक अच्छा कंट्रोल मिल जाता है पानी भरते समय। तो सेफ्टी वॉल्व को टच ना हो इतना नीचे आप पानी भर लें। नेक्स्ट आप प्लेस करें फनल और इसमें डालें ग्राउंड कॉफी। तो 15 से 20 ग्राम या फिर जो फनल का लेवल है उस तक आप इसमें कॉफी डालें। कॉफी डालने के बाद आपको इसे टैंप नहीं करना यानी प्रेस नहीं करना है, बस हल्के से स्प्रेड करें, तो इस बात का ध्यान रहे। अब मोका पॉट की अपर बॉडी को प्लेस करें और एक कपड़े का यूज करें, क्योंकि नीचे वाले कप में हमने गर्म पानी भरा है। एकदम टाइट से बंद करें वरना पानी या फिर स्टीम लीक हो सकते हैं। मैं ऐसा बना रही हूँ अपने गैस स्टोव पर, तो फ्लेम होनी चाहिए लो मीडियम, इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि पॉट में वो साइड से ऊपर की तरफ आने लगे, सिर्फ बेस तक ही रहनी चाहिए। बेस के अंदर जो पानी है वो गर्म होगा, वो उबलने लगेगा और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा कॉफी निकलना शुरू हो जाएगी। इस मोका पॉट में आपको 240 ml कॉफी एक समय पर मिल जाती है, जिससे आप 6 छोटी सर्विंग्स यानी 40 ml की सर्विंग्स बना सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको एक बबलिंग सी आवाज आने लगेगी और कॉफी इसके आगे और नहीं रिलीज होगी। बस गैस या फिर हीट को बंद कर दें और इस कॉफी को आप इमीडिएटली गर्मा गर्म सर्व करें। वैसे तो इस कॉफी को ऐसे ही सर्व किया जाता है, लेकिन आप इससे बाकी कॉफी प्रिपरेशन जैसे कि कैपेचिनो लाते भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसे क्लीन कैसे करना है। तो सबसे पहले मोका पॉट को ओपन कर लें। अनलाइक एल्यूमिनियम मोका पॉट, ये डिशवॉशर सेफ है, आप इसे डिशवॉशर में भी धो सकते हैं। एल्यूमिनियम के मोका पॉट को लिक्विड सोप से धोना सजेस्टेड नहीं होता है, उसे केवल पानी से धोना चाहिए। पर इस स्टेनलेस स्टील और बोरोसिलिकेट के मोका पॉट को आप लिक्विड सोप से भी धो सकते हैं। लेफ्ट ओवर कॉफी को निकाल लें और उसके बाद मोका पॉट को वॉश कर लें। आप इस मोका पॉट को एयर ड्राइंग के लिए रख सकते हैं या फिर किसी कपड़े से पोंछ सकते हैं। आप कुछ रेगुलर इंटरवल्स में मोका पॉट की डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर लाइम स्केल डिपॉजिट नजर आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि डीप क्लीनिंग की जरूरत है, तो आप इसके बेस में पानी भरें,
और फिर इसमें डालें सिंथेटिक वाइट विनेगर, लगभग एक चम्मच मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जैसे हमने कॉफ़ी बनाई थी बिल्कुल वैसे ही इसे प्लेस करना है, पर कॉफ़ी हमें इसमें नहीं डालनी है। अच्छे से सिक्योर करें, टाइट इसे बंद करें और गैस पर रखें। पानी गर्म होगा और बॉयल होने के बाद ऊपर की तरफ से निकलेगा बिल्कुल कॉफ़ी की तरह, और साथ ही में ये फनल को भी क्लीन करेगा, फिल्टर, गैस्केट और ऊपर जो ट्यूब है वो भी इससे अच्छे से क्लीन हो जाएगी। पूरा पानी ऊपर आने के बाद आप गैस या हीट बंद कर दें और मोका पॉट में से पानी को निकाल दें। इसके बाद आप इसके सारे पार्ट सेपरेट कर दें और इन्हें सूखने दें या फिर कपड़े से पोंछ दें। तो इस तरह से आप रेगुलर इंटरवल पर इसकी डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आपको अगारो इम्पीरियल मोका पॉट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।